आप देख रहे हैं बाल की खाल में इस वक्त की बड़ी खबर। चार करोड़ रुपए का नुकसान करने वाली बीएसएनएल कंपनी को बंद कर देना चाहिए, मोदी सरकार को देना होगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट क्रांति के जमाने में सरकारी इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनी बीएसएनएल की हालत किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ जियो जैसी कंपनी कुछ ही महीनों में करोड़ों यूजर्स जोड़ लेती है और उधर बीएसएनएल अपने उपभोक्ता घटाने में लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण बीएसएनएल की सेवाओं में लचीलापन है। नया कनेक्शन लेने में भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। जहां दूसरी कंपनियां घर बैठे कनेक्शन दे रही हैं, वहीं बीएसएनएल की सेवाएं अभी भी उसी ढर्रे पे काम कर रही हैं। देश के युवाओं को डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर भी बीएसएनएल के कर्मचारियों पर नहीं दिख रहा है। हर वर्ष करोड़ों रुपए बीएसएनएल में नुकसान उठाने वाली सरकार को या तो बीएसएनएल को बंद कर देना चाहिए या पीपीपी मोड पर दे देना चाहिए, जिससे इसकी सेवाओं में कुछ सुधार जरूर होगा और देश को अच्छी इंटरनेट सेवा मिल सकेगी और देश के लोगों का पैसा भी बच जाएगा।